हमारे साथ मौजूद है देवेंद्र सिंह बबली के छोटे भाई विनोद बबली जी। तो चलिए बात करते हैं सर से। सर, आप यहाँ डोर टू डोर कर रहे हैं गांव गुआंड में, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का? देखिए, हमने 2014 का भी चुनाव लड़ा था। ये बुआंड गांव हमारा एक ऐसा गांव है, हमारा परिवार है यहाँ पे, हम इसको अपना गांव मानते हैं। पिछले इलेक्शन में इस गांव ने भाई साहब को विधायक बना के भेज दिया था, और अब की बार जो 2019 का चुनाव हम जा रहे हैं, 21 तारीख को वोटिंग होने जा रही है, ये पूरा गांव एक तरफ ही लग रहा है मेरे को तो, ऐसा नज़र आ रहा है। सभी युवा साथी, माताएँ, बहनें, बड़े बुजुर्ग बड़ा खुशी से, बड़ा एक दिवाली सा माहौल सा बना रखा है, बड़े अच्छे तरीके से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। ये तो बबली जी कहते ही हैं कि इस बार दो दिवाली मनेंगी, तो सर हम हर गांव में हम भी जा रहे हैं, तो इस गांव का नहीं, हम हर गांव में देख रहे हैं कि बबली जी की लहर है, क्या कारण है उसका? कारण यही है कि हम लगातार 11 साल हो गए, हम पूरे युवाओं से जुड़े हुए भाई की तरह, एक नेता की तरह नहीं, हम भाई की तरह, हमारे सभी साथी, सभी संगठन हमारे साथ हैं, और हम पूरे हर गाँव गाँव, घर घर, दुख सुख के ब्याह शादी में हर जगह हम हाजिरी हमारी रखते हैं, इसी वजह से लोगों में हमारे प्रति बड़ा प्यार है, अच्छा है। सर, जैसे कि आँख का जो एक आपका है कैंप लगाते हैं, फ्री इलाज कराते हैं, फ्री उनकी आई चेकअप जो भी है सारा कराते हैं, ये कहाँ से सोच आपने, किसके मतलब कदमों पे चल रहे हैं? ये हमारे दादा कैप्टन उमराव सिंह की, उनके दिशा निर्देश, उनके हम देखते थे जब बच्चे होते थे, उन्हें बड़ी भावना थी सेवा की, जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको बड़ी टॉफियाँ वगैरह, क्योंकि जो वो अपनी टोहाना शहर से साइकिल पे, उस टाइम में साइकिल होते थे, अपनी तनख्वाह लेके आते थे, उस तनख्वाह में से कुछ मतलब बच्चों के लिए टॉफी वगैरह, खाने का बड़ा सामान सामग्री लेके आते थे और पूरे गांव बांटते थे, तो बड़े मशहूर थे हमारे दादाजी इस चीज़ से, हाँ, तो उन्हीं को देख देख के हमारे भी अंदर ये जज्बा पैदा हुआ कि दादाजी का इतना नाम चलता है, हम भी क्यों ना ऐसे राह पे चलते। सर, डोर टू डोर में आप जा रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है। क्या लगता है आपकी बार, क्या अच्छा है? बिल्कुल बहुत वो है, आपकी बार तो काफ़ी जीत की तरफ आगे निकल रहे हैं, जीत। सर, आप जैसे गांव भी जाते हैं, शहर भी करते हैं, तो गांव और शहर की मुख्य समस्या क्या मानते हैं आप? समस्या तो काफ़ी पेंडिंग है, अब आस लगा के बैठे हैं, जैसे हैं हमारे कैंडिडेट बबली जी जीतेंगे और हमारी आशाएं सारी पूरी होंगी, ऐसी बात नहीं कोई जी। जो सर ने एक मैनिफेस्टो बनाया है जिसके अकॉर्डिंग काम होगा, तो उस मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए क्या कुछ है सर? महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ इन्होंने रखा है, तो उनके लिए भी करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, हर वर्ग के लिए, हर वर्ग के लिए है जी। कल बीजेपी की जो रैली थी, अमित शाह आने थे, अमित शाह नहीं पहुंचे, और सुभाष बराले की चेहरे पे सिकरी छा गई से कटान रहा सर। ये जो सिकरी पहले की छा रही है, ये कल को नई बात तो नहीं, ये तो 15 दिन से छा रही, जिस दिन से टिकट मिल गई उस दिन से छा गई थी इनकी। मतलब हम देवेंद्र सिंह बबली पूरी टक्कर दे रहे हैं उन्हें? टक्कर नहीं जी, फाइट में नहीं हमारे तो, वो टक्कर वाली कौन सी बात है, जीत अभी यही से दिख रही है, निश्चित है जी, बिल्कुल। समाज सेवी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और जेजेपी की तरफ से बहुत बढ़िया कैंडिडेट है। एक चीज़ और बताए सर, अगर एमएलए बनते हैं तो क्या उम्मीदें आपकी रहेंगी उनसे? भाई साहब, सबकी उम्मीदें पूरी करेंगे, हर वर्ग की, महिलाओं की, बच्चों की, बूढ़ों की, सबकी उम्मीदें पूरी करेंगे, सबकी उम्मीदों पे पूरे खरे उतरेंगे, हमें ये विश्वास है भाई साहब पे। सर, आप बताइए, आप बबली जी से क्या उम्मीदें रखते हैं? बहुत बढ़िया उम्मीद है जी, बहुत बढ़िया। जैसे कि कोई भी चीज़ में देख लो, कोई चीज़ में दिक्कत नहीं, सबका मान सम्मान की बात है, सबसे बड़ा तो मान सम्मान है, मान सम्मान में कोई किसी कहीं भी दिक्कत नहीं आती। तो आपको लगता है पूरा काम करेंगे? पूरा जी, बिल्कुल। बबली जी के साथ हैं डोर टू डोर में, क्या उम्मीदें रखते हैं आप बबली जी से? पब्लिक से जो रुझान आने लग रहे हैं वो बढ़िया आने लग रहे हैं। जैसे कि? जैसे मान के चलो भाई, बबली जी की एक तरफा जीत है, मतलब आप जो रुझान है, पब्लिक जुड़ रही है साथ, तो बहुत बढ़िया रुझान है उनका। आप एक युवा हैं, तो क्या उम्मीदें रखते हैं बबली जी से? देखो जी, सबसे पहली बात है कि हमारा जो कैंडिडेट है वो युवा है, जो युवा के लिए बहुत कुछ करेगा, उन्हें बिना विधायक कोई भी इतना काम किया है, जो कि हमारे अध्यक्ष पार्टी के जो बराला जी, उन्होंने भी नहीं कराया। अब इन तक पूरी उम्मीद रखा, जो अभी खरा उतरे वो आगे भी जी खरा उतरेगा, ये उम्मीद रखा जी, हर वर्ग का काम करेगा, जो अभी करना गया वो आगे भी होगा जी। इसका पेपर देखे थे कल रख का, हम यहाँ से कम जी, मेरा पेपर था 250 किलोमीटर दूर, हमने ये कहना चाहते हैं कि जो इस सरकार से कि अगर हमारा गया जिले में पेपर दे देते तो उनसे उनसे तो कुछ नहीं होता, लेकिन हमारा जो वहाँ से दो दो दिन खराब हुए, हम इतने बच्चे एक्सपायर हुए, उनके जिम्मेवारी कौन लेता है? क्या खट्टर सरकार जिम्मेवारी ले लेगी? हमारे कम से कम दो दो दिन खराब हुए, इतना पैसा हमारा खराब हुआ, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और नौकरी, अभी नौकरी का तो कुछ नहीं पता जी, नौकरी का तो रोज़गार तो है ही नहीं जी, इतना खर्चा जी, दो दो दिन खराब जी, और इतनी दूर जी, 250 किलोमीटर दूर आप लोग
सेंटर आया, क्या आप लोग अपना पेपर सही मायने कर पाए या ना जी? नहीं, बिल्कुल ढंग से पेपर नहीं हुआ जी, सिर्फ सफर सफर कटिया जी, रात ने दुखी होके आया जी, जो कुछ पढ़ा वो सफर में रह लिया जी। मतलब मानसिक प्रेशर इतना था कि जम्मा पूरा प्रेशर था जी, जम्मा पूरा मैं कह दिया जी। ब्यूरो रिपोर्ट A1 हरियाणा।